हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है गन डेविल। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पावर डेंजी को परमिशन दे देती है और डेंजी अपना सपना पूरा करने आगे बढ़ता है। वो पावर की ब्रेस्ट को छूता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और फिर पावर में से कुछ निकल कर नीचे गिर जाता है। डेंजी को पता चलता है कि ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं और वो उन्हें बड़ा दिखाने के लिए पैड्स लगाती है। फिर डेंजी दो बार और उन्हें स्क्वीज करता है और पावर उठकर कहती है कि चलो हमारी डील पूरी हुई, तो तुम्हें मजा आया ना, तुम कितने किस्मत वाले हो। इतना कहकर पावर यहाँ से चली जाती है और बेचारा डेंजी सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था। अगले कुछ दिन डेंजी सदमे में ही रहता है और उसे भूख भी नहीं लगती। फिर माकिमा उसे कुछ पेपर वर्क करने के लिए हेडक्वार्टर्स में बुलाती है, क्योंकि बैड डेविल को मारते वक्त काफी सारा नुकसान हुआ था। माकिमा डेंजी से पूछती है कि वो इतना गुमसुम क्यों है, जिस पर डेंजी बताता है कि वो इतने दिनों से जिस सपने के पीछे भाग रहा था वो पूरा हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और अगर फ्यूचर में वो कोई गोल सेट करता है तो क्या वो सिर्फ तब तक ही खुश रहेगा जब तक कि वो उसके पीछे भागेगा, और उसके मिलने के बाद क्या वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाएगा। माकिमा पूछती है कि वो किस सपने की बात कर रहा है। डेंजी बताता है कि कल उसने पहली बार किसी लड़की के ब्रेस्ट को छुआ था, लेकिन उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितना उसने सोचा था। इस पर माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और डेंजी को समझाती है, इन सब मामलों में तुम जितना ज्यादा उस पर्सन को जानोगे उतना ज्यादा ही तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें उनकी आंखों में देखना है, उसके हाथ को पकड़ना है, उसके कानों को छूना है। फिर वो डेंजी की उंगली काट लेती है और बोलती है कि ये फीलिंग तुम्हें आंख बंद करने पर भी याद रहेगी। और आखिर में माकिमा डेंजी का हाथ अपने पर रख देती है। ऐसा होते ही डेंजी की धड़कन रुक जाती है और वो चेयर से नीचे गिरता है। ऐसा लगता है कि जैसे डेंजी खुशी के मारे मर ही जाएगा। इसके बाद माकिमा डेंजी से एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती थी कि डेंजी गन डेविल को मारे। गन डेविल को 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था। वो बहुत ही बुरा और ताकतवर है और उसे सब हंटर्स मारना चाहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये काम डेंजी कर सकता है क्योंकि वो बाकी हंटर्स से अलग है। और अगर डेंजी गन डेविल को मारने में कामयाब हो जाता है तो माकिमा उसकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करेगी। डेंजी बोलता है कि अगर मैं गन डेविल को मार दूं तो तुम कुछ भी करोगी, यानी स्वीक्स भी, क्या ये अलाउड है? माकिमा बोलती है कि ये डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम जो बोलोगे वैसा होगा। कुछ सालों पहले लोग डेविल से अपनी रक्षा करने के लिए गन्स रखा करते थे, जिससे धीरे धीरे गन क्राइम्स बढ़ने लगे और लोगों को सबसे ज्यादा डर गन वायलेंस से ही होने लगा। इसके बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसी दिन गन डेविल पहली बार दिखाई दिया था। दोस्तों, अब हमें उस समय का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम एक पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपने छोटे बच्चे ताइयो की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि वो अक्सर ही बीमार रहता था। तभी उनका बड़ा बेटा आकर बोलता है कि वो डैड के साथ कैच कैच खेलना चाहता है। ये सुन ताइयो का भी खेलने का मन होता है और दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। शुरू में तो बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता कि ताइयो उसके साथ आया है, लेकिन फिर दोनों स्नोबॉल बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं। कुछ देर बाद वो ताइयो से कहता है कि ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, घर में जाकर ग्लव्स पहन कर आओ, फिर हम कैच कैच खेलेंगे। ताइयो खुशी खुशी घर के अंदर जाता है और तभी अचानक यहाँ पर भयानक तूफान आता है, जिसमें ताइयो का पूरा घर ही उड़ जाता है। सिर्फ उसका बड़ा भाई बाहर होने की वजह से जिंदा बचता है। उस दिन सिर्फ 5 मिनट्स के करीब 10 लाख लोग मारे गए थे और तब से ही गन डेविल का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद में लोगों के अंदर डेविल्स का डर बढ़ता गया, जिससे कि वो और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। तभी से गन्स के यूज पर काफी रोकथाम लगा दी गई है, जिससे गन डेविल कमजोर हो सके और न्यूज में भी ये ज्यादा वायलेंस वाली खबरें नहीं दिखाई जाती। डेंजी बोलता है कि मैं उस डेविल को हरा दूंगा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इसके बाद माकिमा उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है जो कि उन लोगों ने अब तक कलेक्ट किए हैं। अगर कोई नॉर्मल डेविल इन टुकड़ों को खा ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। साथ ही टुकड़े एक दूसरे से चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं, तो अगर उन्होंने ढेर सारे टुकड़े जमा कर लिए तो वो सीधा गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। दूसरी तरफ हम आकी और हिमैनो को देखते हैं, जिन्हें एक और टुकड़ा मिल गया था जो उन्होंने फिश डेविल को मारकर अंदर से हासिल किया था। और दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आकी था।
जिसका पूरा परिवार गन डेविल की वजह से मारा गया था। खैर, इसके बाद इन्हें खबर मिलती है कि होटल के अंदर एक डेविल को देखा गया है। कई सिविलियन हंटर उससे निपटने गए थे लेकिन सब मारे गए, और शायद इस डेविल ने गन डेविल का टुकड़ा खाया हुआ है। और अब इस डेविल को मारने के लिए आकी की टीम को भेजा जाता है, जिसमें हम दो नए मेंबर्स हिरोकाजू और केबोनी को भी देखते हैं। आकी बोलता है कि वो डेविल इसी होटल में कहीं छुपा है और उसने गन डेविल का टुकड़ा खाया है। डेंजी बोलता है कि क्या पता वो गन डेविल ही हो, जिस पर आकी कहता है कि अगर ऐसा होता तो टुकड़े में अट्रैक्शन इससे कहीं ज्यादा होता। अब पावर और डेंजी थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं, तो आकी उन्हें बबल गम दे देता है, जिससे दोनों डिसिप्लिन में आ जाते हैं। हिरोकाजू बोलता है कि क्या हम इन दोनों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें तो एक फीड है और दूसरा कोई छपरी। आकी बोलता है कि सबसे पहले डेविल से ये दोनों ही लड़ेंगे, और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो हम इन्हें मार देंगे। डेंजी और पावर आपस में बात करते हैं कि शायद ये हमारे सुबह वाले मजाक से अब भी गुस्से में है, जिस पर आकी बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम उसे मजाक कहते हो, मैं मार दूंगा तुम दोनों को। हिमेनो बोलती है कि बच्चे पर इतना गुस्सा मत करो। फिर डेंजी बोलता है कि मुझे तो बैड डेविल को मारने के लिए कोई इनाम या छुट्टी भी नहीं मिली। हिमेनो बोलती है कि जो भी इस वाले डेविल को मारेगा उसे मैं गालों पर पप्पी दूंगी। डेंजी ये सुन एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर उसे माकीमा की याद आती है। वो कहता है कि मैंने अपना पहला किस किसी खास के लिए बचा के रखा हुआ है, जिसके लिए मैं गन डेविल को जरूर मारूंगा। और वैसे भी इन सब चीजों में मजा तभी आता है जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। और डेंजी को तो हिमेनो का नाम भी नहीं पता था। ये सुन हिमेनो इनाम बढ़ा देती है कि अगर डेंजी इस डेविल को मारेगा तो वो उसके होठों पर पप्पी देगी। ये सुनते ही डेंजी होटल के अंदर दौड़ लगा देता है, और हिरोकाजू डेंजी से लड़ाई करने लगता है कि हिमेनो उसे 6 महीने से ट्रेन कर रही है और वो नहीं चाहता कि कोई छपरी उसे किस करे। पावर और कोबेनी भी उनकी लड़ाई के मजे लेने लगती हैं। आकी सोचता है कि ये नई टीम उनके कोई काम की है भी या नहीं। हिमेनो बताती है कि हिरोकाजू स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन काफी मोटिवेटेड है, कोबेनी डरपोक है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी। आकी को लगता है कि ये सब 1 साल के अंदर या तो मारे जाएंगे या तो क्विट कर देंगे, जिस पर हिमेनो आकी से कहती है कि उसे मरना नहीं है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हिमेनो एक कब्रिस्तान में बैठी हुई थी। यहाँ उसका एक सीनियर किशिबे हिमेनो से उसके नए पार्टनर से मिलवाने लाया था, जो कि आकी था। हिमेनो उससे पूछती है कि वो उसके किसी काम का है या नहीं। अब तक उसके 6 पार्टनर्स मर चुके हैं क्योंकि वो सब यूजलेस थे। वो नहीं चाहती कि आकी के साथ वैसा ही हो। खैर, इसके बाद ये सब डेविल को खोजते हुए 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। हिमेनो फिर अचानक से रुक जाती है और कहती है कि डेविल आ रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने से एक छोटा सा डेविल निकल कर बाहर आता है, जिसका सिर्फ एक हेड और पैर था। वो डेविल कोबेनी को काटने उछलता है, लेकिन हिमेनो उसे हवा में ही रोक लेती है, और फिर पावर अपने ब्लड से एक कुल्हाड़ी बनाकर उस डेविल के 2 टुकड़े कर देती है। पावर फिर कहती है कि ये डेविल तो मुझसे इतना डर गया कि हवा में ही रुक गया, लेकिन हिमेनो एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी शक्ति थी। असल में हिमेनो ने एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसके लिए उसने अपनी एक आंख कुर्बान कर दी, और इसके बदले वो घोस्ट डेविल का राइट हैंड यूज कर सकती है, जो कि बहुत स्ट्रांग है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। अब क्योंकि ये वो डेविल नहीं था जिसे ये ढूंढते हुए यहाँ आए थे, तो ये लोग ऊपर 9वें फ्लोर पर जाने लगते हैं। और सीढ़ियों पर पावर कहती है कि अगर मैं अभी इसे मार दूं तो तुम क्या करोगी, और हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से पावर का गला दबा देती है। हम देखते हैं कि पावर उस घोस्ट हैंड को नहीं छू सकती है, लेकिन हिमेनो इस हैंड से पावर को मार सकती है। अब ये सभी लोग अगले फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन हिरोकाजू यहाँ भी उसी डेविल का खून लगा देखता है जिसे उन्होंने नीचे के फ्लोर पर मारा था। वो आकी से बोलता है कि हम लोग तो 9वें फ्लोर पर जा रहे थे, तो वापस 8वें फ्लोर पर कैसे आ गए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हिरोकाजू फिर नीचे के फ्लोर पर जाने लगता है, लेकिन सब उसे ऊपर के फ्लोर से आते दिखते हैं। वो वापस 8वें फ्लोर पर ही आ गया था, यानी कि ये लोग 8वें फ्लोर पर ही एक लूप में फंस गए हैं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये काम कौन से नए डेविल का है और ये लोग इस डेविल को मार पाएंगे या नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।